ये नज़ारा बिहार के भागलपुर के चंपानगर जिले का है। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि किसान से लेकर हर क्षेत्र के लोग परेशान हैं। खास तौर पर इस बाढ़ ने बुनकर क्षेत्र को भयंकर नुकसान पहुंचाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दरअसल बाढ़ का पानी लगभग 200 से ज्यादा पावर लूम में घुस गया, जिससे सभी लूम बंद हो गए। इससे बुनकरों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है, साथ ही स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। जब लोकल 18 की टीम बुनकर क्षेत्र में पहुंची, तो पूरे इलाके में कमर भर पानी भरा हुआ था। लूम की मशीनें बाढ़ के पानी में डूब गई थी और बुनकर बेहद परेशान नजर आ रहे थे। मोहम्मद अमन नाम के एक बुनकर ने कहा कि हमारी स्थिति काफी खराब है, मशीन में पानी घुस गया है और अब हम काम नहीं कर पा रहे। एक समय की मजदूरी भी मुश्किल से मिलती है। यदि किसी के पास दो लूम होते हैं तो उसे मात्र 500 रुपए की मजदूरी मिलती है, जिससे किसी तरह घर चलता है, लेकिन अब तो पिछले 10 दिनों से लूम बंद है, ऐसे में हम क्या करें। हेमंत कुमार, एक और बुनकर ने भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, दुर्गा पूजा का समय है और इस दौरान बुनकरों के लिए कमाई का अच्छा मौका होता है, लेकिन इस बार हम 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान का सामना कर रहे हैं। हमें जो ऑर्डर मिले थे उन्हें पूरा करना मुश्किल हो गया है। साउथ से आए ऑर्डरों को हमें कैंसिल करना पड़ रहा है। ये कौन सा क्षेत्र है और क्या स्थिति है यहाँ? ये क्षेत्र है चंपानगर घाट किनारा बड़ी मस्जिद लाइन। क्या स्थिति है यहाँ? बहुत बुरा हाल है, इसलिए कि रात में लाइट भी बंद कर देते हैं पानी की वजह से, कि करंट उरंट पूरा पानी में न आ सके। बच्चा सब हो सकता है गोड़ हाथ धोने में करंट लग जाए। तो रूम की क्या स्थिति? बहुत खराब है, सब मशीन पानी में डूबा हुआ है। लगभग कितना मशीन अभी पानी में होगा? 200 मशीन पानी में है, सिर्फ इस गली में। इस गली में बड़ी मस्जिद लाइन गली में। कितने का कारोबार अभी प्रभावित होता होगा? एक मशीन पे 500 रुपया का रोज का है, मतलब रोज मजदूरी है। अभी कैसे आप लोगों का गुजारा होता है? वही सत्तु चूड़ा से गुजारा हो रहा है, और जो अच्छा आदमी है उसके पास जाते हैं तो 1500 रुपया देता है कर्जे के तौर पर, तो उससे घर चल रहा है। मतलब अभी बहुत ज्यादा बुरा हाल है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अमान। अभी बुनकर क्षेत्र की क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति दयनीय है। एक तो पहले रोजगार ही नहीं थी, और ऊपर से जो भी कुछ ऑर्डर आया हुआ था दुर्गा पूजा के उपलक्ष में, तो ये बाढ़ खा गई है। बाढ़ की वजह से लूम वगैरह बाधित है और धागा भी आना जाना भी मुश्किल हो गया है, जिस वजह से लूम का परिचालन बंद हो गया है, ऑर्डर की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, लगभग कितने करोड़ का ऑर्डर, मतलब अभी नुकसान हुआ होगा? अभी 10-20 करोड़ रुपया का नुकसान हो चुका है। 10-20 करोड़ का? कैसे बुनकरों की जिंदगी कट रही है अभी? अभी तो सुबह खाएं रात खाने की स्थिति नहीं है, ये स्थिति नहीं। बिल्कुल। क्या नाम है? हेमंत कुमार। चंपानगर के बुनकर क्षेत्र में बाढ़ का असर बेहद गंभीर है। करीब 500 से ज्यादा लूम पानी में डूब गए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसका असर 2000 से ज्यादा बुनकरों पर पड़ा, जिनका काम ठप हो गया। बुनकरों का कहना है कि एक समय का खाना बनाना भी मुश्किल हो रहा है। बुनकरों की एक और बड़ी चिंता ये है कि बाढ़ का पानी निकलने में काफी समय लगेगा। जब तक लूम की मशीनें सूख नहीं जाती, तब तक उनका काम शुरू नहीं हो पाएगा। इस संकट से निपटने के लिए बुनकरों को तत्काल सरकारी सहायता की जरूरत है। उन्हें आर्थिक मदद, खाद्य सामग्री और मशीनों की मरम्मत के लिए मदद की जरूरत है। अगर समय पर मदद नहीं मिली तो बुनकरों का जीवन और मुश्किल हो जाएगा और उनकी आजीविका पूरी तरह से संकट में पड़ जाएगी। चंपानगर के बुनकर क्षेत्र में बाढ़ ने गंभीर संकट पैदा कर दिया है। बुनकरों की मेहनत को इस प्राकृतिक आपदा ने खत्म कर दिया है। उन्हें न केवल आर्थिक मदद की जरूरत है, बल्कि उनके काम को सहारा देने के लिए ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है। अगर ये मदद समय पर नहीं मिली तो इसका असर पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। लोकल 18 के लिए भागलपुर से सत्यम कुमार की रिपोर्ट।